यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उबला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का बीज बोकर कानून से बच जाता है क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फ़र्ज नहीं निभा रही। हेट स्पीच, UAPA और NSA की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के गाज़ियाबाद में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद का पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिया गया विवादित बयान बीते दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है। इस बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। बवाल न सिर्फ धार्मिक मोर्चे पर बल्कि सियासी मोर्चे पर भी। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय यति नरसिंहानंद के बयान का जमकर विरोध करते नजर आ रहे हैं तो वहीं राजनीतिक रूप से भी इस बात का जमकर विरोध विपक्ष की पार्टियों की तरफ से देखा जा रहा है। इस बीच कैराना से सांसद और सपा नेता इकरा हसन की भी इस मामले पर एंट्री हो गई है। इकरा हसन ने यति नरसिंहानंद के बयान का विरोध किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ बात करते हुए इकरा हसन ने सरकार को घेरा है। इकरा ने मांग की है कि यति के खिलाफ हेट स्पीच, UAPA और रासुका की गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद जरूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी जुबान से नफरत का जहर उबला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी ज़ुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, UAPA और NSA की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। तो इकरा ने यति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विरोध दर्ज करवाएंगी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि यति के खिलाफ क्या कदम प्रशासन के द्वारा उठाया जाता है। बता दें कि हाल ही में गाजियाबाद में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद बवाल जमकर जारी है। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक।